खबर शामिल करते हैं सालकोट से, जहां मुसीबत और आफत में लोगों की मदद को पहुंचने वाला इदारा रेस्क्यू 1122 ईद के दिनों में भी अवाम उन्नास के खिदमे में मसरूफ़ अमल है। रेस्क्यू 1122 ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमा वक्त कोशा है। रेस्क्यू सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 सियालकोट इंजीनियर नवीद इकबाल ने बताया कि रेस्क्यू 1122 ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमा वक्त कोशा है और ईद उल फितर के मौके पर रेस्क्यू अहलकारों ने जिला सियालकोट की अहम मसाजिद ईदगाहों पर अपने प्यारों से दूर रहकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और DEO रेस्क्यू ने कहा कि रेस्क्यू 1122 किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है, जबकि DEO सियालकोट ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर लोगों के लिए पैगाम दिया कि वह कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से दी जाने वाली हिफाजती हिदायत पर अमल को यकीनी बनाए ताकि इस मुजी और जानलेवा मर्ज से महफूज रहा जा सके। रिपोर्ट मियां मोहम्मद सलीम, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, ग्रेट न्यूज़ सियालकोट। ये हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये हर वक्त एमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। खासतौर पर इन डेज़ में जब ईद के डेज चल रहे हैं तो हम लोग एमरजेंसी को डील करने के लिए हम वक्त तैयार हैं और किसी भी एमरजेंसी पर हर वक्त पहुँच कर वहाँ पर अपने फ़ायदा अंजाम देने के लिए तैयार करें।